हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में कृषि रसायन लेसन नंबर 6 अम्ले एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे लवणीय मृदा बनने के कारण। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था लवणीय मृदाएं क्या होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस नाम से जानी जाती है। आज की क्लास में अपन किस कारण से लवणीय मृदा बनती है, उन कारणों के बारे में आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अपने पास में टोटल यहाँ पर 8 कारण है। कितने कारण है? 8 कारण है। तो इन 8 कारणों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर इनके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात होती है किसके कारण, शुष्क जलवायु होने के कारण। दूसरा है लवणीय जल से सिंचाई अगर अपन कर रहे हैं तो मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। तीसरा है जल के रिसाव के कारण। चौथा है उच्च भूमि जल स्तर, अधिक जल स्तर होने के कारण। अपर्याप्त जल निकास, जो वर्षा का जल है या कोई अतिरिक्त जल है उसका निकास अगर अपर्याप्त सुविधा है तो भी लवण जमा हो जाते हैं। मृदा परिच्छेदिका की कड़ी परत, जो मृदा की प्रोफाइल होती है उसकी अगर कड़ी परत होगी तो उसमें से जल नीचे नहीं जाएगा और लवण कहाँ जमा हो जाएंगे, सतह पर जमा हो जाएंगे। सातवां कारण है मूल पदार्थों की प्रकृति, जिनसे मृदा का निर्माण होता है सामान्यतः किससे होता है, चट्टानों से होता है। तो अगर चट्टान के कौन सी है, क्षारीय प्रकृति की है तो मृदा भी क्या हो जाएगी, अपनी क्षारीय या लवणीय प्रकृति की हो जाएगी। क्षारीय उर्वरकों का लगातार उपयोग करने से भी मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। ये टोटल अपने 8 कारक है। अब इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, शुष्क जलवायु, जिस क्षेत्र की मृदा में शुष्क जलवायु होती है या कहेंगे जिस क्षेत्र की जलवायु शुष्क होती है वहां की मृदा कौन सी होगी, लवणीय। क्यों? कि वहां वर्षा कम होगी। वर्षा कम होगी तो जो सतह पर जमा हुए लवण है वो वहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि जल के साथ बह जाते हैं दूसरे लवण आ जाते हैं, तो ये प्रक्रम चलता रहता है। तो वहां पर वर्षा कम होगी, सतह पर लवण जमा हो जाएंगे जो नीचे की परत पर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी मृदा लवणीय हो जाती है। क्लियर? फिर बात करें लवणीय जल से सिंचाई। अपने सामान्यतः 2 या 3 फसलें पूरे वर्ष में की जाती है, तो जो मृदा होती है उसमें अपन को दिनों दिन क्या सिंचाई की आवश्यकता होती है, वो वर्षा के जल से हो या अपने पास में जो अतिरिक्त साधन होते हैं उनसे हो। तो अगर उस लवण में सॉरी उस जल में अगर लवण की मात्रा है और उस जल से अपन सिंचाई कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, लवण की मात्रा बढ़ेगी जो कहां पर, मृदा की सतह पर जमा हो जाएंगे। इसमें भी 2 कारण हैं। अगर अपनी मृदा कौन से है, महीन कण की है, तो वहां पर लवण अधिक जमा होंगे, क्या होंगे, अधिक जमा होंगे। और मोटे आकार की मृदा है, कण आपके मोटे हैं, तो वहां पर लवण क्या होंगे, कम जमा होंगे। ये कारण कौन सा है आपका, लवणीय जल से सिंचाई। तीसरी बात करें अपन जल की रिसाव से, अगर अपने पास में ऊंची भूमि है, क्या है, ऊंची भूमि है, पास में नहर निकल रही है उससे रिसाव होता है, या बगल में क्या है, पार्श्व नलियां है जिनसे अपन सिंचाई के लिए पानी लाते हैं, तो वहां पर उनके रिसाव के कारण उनके साथ क्या आते हैं, लवण आते हैं, वो धीरे 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 कहां, मृदा में जमा हो जाते हैं, जिससे भी मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। उच्च भूमि जल स्तर, अगर जल स्तर ज्यादा होगा मृदा में, हमेशा जल का जमाव रहेगा तो भी क्या होंगे, लवण जमा हो जाएंगे और वो वाली मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका अपर्याप्त जल निकास, वर्षा जल हो या सिंचाई के बाद अतिरिक्त जल आ जाए, अगर उसका निकास अपर्याप्त नहीं है तो उसमें उपस्थित लवण उस मृदा की सतह पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और धीरे धीरे वो नीचे की परत तक चले जाएंगे, जिससे धीरे 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 वो मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। तो अपर्याप्त जल निकास होने के कारण भी उस जल में उपस्थित लवण वहीं जमा हो जाते हैं और वो मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। मृदा परिच्छेदिका की कड़ी परत, ध्यान दो बेटा, जैसे ये अपने पास में मृदा परिच्छेदिका की परतें बनी हुई है, अपने पढ़ाता A1 A2
B1, B2, C1, C2 इस तरह की परतें पड़ी थी, अगर कड़ी परत है, कड़ी का मतलब होता है इनके कण बिल्कुल पास पास है, इनमें जल रिसाव नहीं होता है, जल का अवशोषण नहीं होता है, तो जल जो लवण युक्त है वो कहाँ, ऊपर की सतह पर जमा हो जाएगा और उसमें क्या होंगे, लवण होंगे, और लवण की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा क्या हो जाएगी आपकी, लवणीय हो जाएगी, मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। नंबर 7 है मूल पदार्थों की प्रकृति। अपन ने पहले लेसन में पढ़ा है चट्टानों के अपक्षय विखंडन से, चट्टानों के अपक्षय विखंडन से किसका निर्माण होता है, अंततगत्व किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अगर चट्टानों की प्रकृति क्षारीय है तो बनने वाली मृदा भी क्षारीय होगी, अर्थात उसमें लवण की मात्रा अधिक होगी। नेक्स्ट बात करें अपन क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, अगर क्षारीय उर्वरकों का अपन प्रयोग लगातार करेंगे उस कंडीशन में अपने पास में सोडियम और कैल्शियम आयनों की मात्रा में वृद्धि होगी, और सोडियम और कैल्शियम मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है, लवणता बढ़ती है, क्या बढ़ती है, लवणता बढ़ती है। इस प्रकार अपन ने टोटल 8 कारणों से इसको लवणीय मृदा बनने के कारणों को स्पष्ट किया। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।